जय श्री श्याम, राधे राधे। राधे रूपमन की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार राधा रानी के जन्मदिन पर यानी कि राधा अष्टमी पर हम लोग लगाएंगे राधा रानी को उनका प्रिय भोग। और राधा रानी का प्रिय भोग है दही वाली अरबी। जी हाँ, आप कभी बरसाना या वृंदावन में जाएंगे राधा अष्टमी के दिन तो आप देखेंगे कि वहाँ की हर दुकान पर आपको ये भोग यानी दही वाली अरबी जरूर मिलेगी, ताकि आप ले सके और राधा रानी को भोग लगा सके। ये राधा रानी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो चलिए शुरू करते हैं ये भोग बनाना। तो देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 250 ग्राम अरबी ले ली है। ये बिल्कुल कच्ची अरबी है मेरी। इसको मैंने अच्छे से पानी से पहले वॉश कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस कच्ची अरबी को ही थोड़ा थोड़ा ऊपर से छील लेते हैं। इस तरह से खड़े चाकू से आप इसको छील लीजिए। इसको मैंने बॉईल नहीं किया है, कच्चा है ये बिल्कुल। और छीलने के बाद में आप इसको लंबा लंबा कट कर लीजिए। और पहले आप छील कर इसको अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। फिर देखिए, मैंने यहाँ पर ये धनिया पत्ती ले ली है खूब सारी, अदरक ले ली है और हरी मिर्ची ले ली है 3 से 4। ये मेरी ज़्यादा तीखी नहीं है, थोड़ी बहुत तीखी है। इन सभी का हम मिक्सर में डालकर फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो इसका तो बना लेंगे हम पेस्ट। तो चलिए इसको साइड कर देते हैं और जो हमारी अरबी है इसको हम छील कर लंबा लंबा कट कर लेंगे। तो देखिए, मैंने सभी अरबियों को अच्छे से पहले छील लिया था, फिर वॉश कर लिया और अच्छे से पोंछ कर उसको लंबा लंबा कट कर लिया। कट करने से पहले आप हाथों पर अच्छे से तेल लगा लें जब अरबी को छीले तो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खारिश कर देती है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो चलिए अब देखिए, ये बिल्कुल इनका पानी सूखा हुआ है। फिर देखिए, मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। मैं इसको बना तो व्रत के लिए रही हूँ, लेकिन ये फलाहारी नहीं बना रही हूँ मैं। एक तो होता है एकादशी, जैसे हम फलाहार करते हैं उसमें, एक हम एक टाइम भोजन करके व्रत करते हैं, तो मैं उस तरह से बना रही हूँ इसको। तो आप इसको किसी भी ऑयल में कर सकते हैं फ्राई, या फिर अगर आप इसको फलाहारी बना रहे हैं तो आप वही ऑयल लीजिएगा जो आप फलाहार में खाते हो, या फिर आप इसको घी में फ्राई कीजिएगा। इस बात का आप खास ध्यान रखें। कई लोग इसमें एक टाइम भोजन करते हैं राधाष्टमी के व्रत में, कई लोग बिल्कुल निराहार भी रहते हैं जैसे एकादशी में रहते हैं, और कई लोग फलाहार करते हैं। तो आप अगर फलाहार करते हैं तो इसको घी में फ्राई कीजिएगा, या फिर जो भी ऑयल आप खाते हो फलाहार में वो ऑयल ले लीजिएगा। अच्छे से इसको आप फ्राई कर लीजिए, ताकि जो भी इसका स्टार्च होता है अरबी का वो इसके ऊपर एक कोटिंग के रूप में ऊपर जम जाएगा, और हमारी जो अरबी है ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगी और अंदर से बिल्कुल हो जाएगी सॉफ्ट। बस तब तक आपको इसको फ्राई करना है। ये देखिए, सारी कोटिंग इसके ऊपर आ चुकी है स्टार्च की, और मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारी जो अरबी है वो ऊपर से तो क्रिस्पी है लेकिन अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखिए, तो यानी हमारी जो अरबी है वो अच्छे से पक चुकी है ऑयल के अंदर। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये राधा रानी का बहुत ही ज़्यादा प्रिय भोग है। ये खास तौर पर राधा अष्टमी को राधा रानी को जरूर लगाया जाता है। खीर बनाइए, पूड़ी बनाइए, साथ में ये बनाइए दही वाली अरबी, और राधा रानी को भोग लगाइए। राधा रानी बहुत प्रसन्न होगी। बरसाना और वृंदावन में जरूर से ये भोग लगाया जाता है। फिर देखिए, मैंने ये दही ले लिया है, इसको मैंने पानी डाल के थोड़ा सा पतला कर लिया इस तरह से। अब जो हमारी ये अरबी है वो सारी अरबी इसके अंदर हम डाल देते हैं। तो हम तो देखिए अभी इसको इंस्टेंट बना रहे हैं, तो मैं केवल इसको 30 मिनट्स के लिए इसके अंदर डिप करके छोड़ दूंगी। लेकिन वैसे जो ट्रेडिशनली इसको बनाई जाती है बरसाना और वृंदावन में, वो लोग क्या करते हैं, इसको पूरा 24 घंटे के लिए दही में डिप करके इस तरह से छाछ में या दही में छोड़ देते हैं 24 घंटे के लिए, ताकि वो अच्छे से खट्टी हो जाए अरबी। लेकिन हम इसको तुरंत बना रहे हैं, तो मैं केवल इसको 30 मिनट्स के लिए इस तरह से इसमें डिप कर दूंगी और आपको फिर बताऊंगी कि आगे इसको हमें कैसे बनाना है। तो चलिए, आधा घंटे के बाद में फिर हम मिलते हैं। तो मैंने आधा घंटे के लिए उसको भिगो दिया था। फिर मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और हींग डाल रही हूँ। मैं केवल इसको व्रत के लिए बना रही हूँ इसलिए हींग डाल रही हूँ। आप अगर फलाहार में बनाएं तो हींग को बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा। फिर देखिए, मैंने इसमें डाल दी है अजवाइन। अजवाइन इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ही डालिएगा, 3/4 टेबल स्पून के लगभग, आधा चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा। अरबी के अंदर वैसे भी अजवाइन का जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है। फिर जो हमने ये पेस्ट बनाया था धनिया, हरी मिर्ची और अदरक का, वो इसमें हम डाल देते हैं। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेते हैं।
इस तरह से जो मैं अरबी आपको ये बता रही हूँ, ये इस तरह की सब्जी आप डेली में भी कभी भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये सब्जी। फिर देखिए मैंने ये 1/4 टीस्पून ले लिया काली मिर्ची का पाउडर और फिर मैं इसमें डाल दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो मैं तो वैसे भी सेंधा नमक ही यूज करती हूँ खाने में, पर अगर आप फलाहारी बना रहे हैं सब्जी ये, तो फिर भी आप इसमें फलाहारी नमक यानी सेंधा नमक ही डालिएगा। तो बस फलाहारी में तो आपको केवल नमक और काली मिर्ची दो ही चीज़ यूज करनी है, और जो हमने ये पेस्ट बनाया ये डाल दीजिए और अजवाइन का उसमें छौंक लगा दीजिए बस, और अच्छे से इसको पकाने के बाद में फिर इसमें अरबी डाल दीजिए। पर मैं इसको व्रत में बना रही हूँ, यानी एक टाइम जब खाना खा के व्रत करते हैं हम वैसे, तो मैं इसमें थोड़े से मसाले और भी डाल देती हूँ। जैसे थोड़ी सी डाल देती हूँ लाल मिर्ची का पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा लिया है क्योंकि हमने हरी मिर्ची काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इसके अंदर पेस्ट बना के डाल दी है, और धनिया पाउडर डाल दिए। धनिया पाउडर थोड़ा इसमें ज़्यादा जाता है। वैसे अगर धनिया पाउडर आपका घर का पीसा हुआ है और बिल्कुल शुद्ध है तो आप उसको फलाहार में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर देखिए मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इसको मैंने पहले मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब मैं बिल्कुल थोड़ा सा इसमें हल्दी का पाउडर डाल देती हूँ। अगर आप फिर बता रही हूँ मैं आपको फलाहारी बना रहे हैं तो आप हल्दी पाउडर को स्किप कर दीजिएगा। फिर बस केवल आप नमक और काली मिर्ची से बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है, बिल्कुल कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है आपको इसमें। और ये जो पेस्ट बनाया है धनिया का, ये डाल दीजिए। इसको मैंने ढक दिया है 2 से 3 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं पकाना है इसको, बस 2 से 3 मिनट में ये पक जाएगा बिल्कुल अच्छे से। तो देखिए ये हमारा जो मसाला है अच्छे से पक चुका है। अब जो हमारी दही हमने भिगो के रखी थी, दही में अरबी भिगो के रखी थी हमारी, वो हम पूरे दही सहित इसके अंदर डाल देंगे। दही भी डाल देंगे और ये जो अरबी है ये भी, ये पूरा मिश्रण इसके अंदर हम डाल देते हैं। और डालने के बाद में आप इसको लगातार एक बार चलाते रहिए, क्योंकि दही जो है वो फट जाता है अगर आप उसको डालकर इस तरह से छोड़ देंगे तो एक बार इसको आप लगातार तब तक चलाइए जब तक कि इसमें बिल्कुल अच्छे से उबाल नहीं आ जाता है। और हाई फ्लेम पर ही आप रखेंगे इसको, लगातार चलाते रहिए तो फटाफट से इसमें उबाल आ जाएगा। तो देखिए इसमें उबाल आने लगा था तो मैंने इसको एक बार ढक दिया था, लेकिन अब हमें क्या करना है, इस ग्रेवी को पूरा अच्छे से सूखा लेना है। ये जो दही वाली अरबी का भोग लगता है राधा रानी को, ये एकदम सूखी बनती है बिल्कुल। इसको ग्रेवी को हमको एकदम सूखा लेना है, तो हाई फ्लेम के ऊपर आप इसको थोड़ा बहुत बीच बीच में चला लीजिए इस तरह से, और इसको बिल्कुल पकने दीजिए जब तक कि इसका पूरा ये ग्रेवी सूख नहीं जाती है। तो देखिए एकदम अच्छे से हमारी ग्रेवी, दही, जो भी हमने इसमें डाला था वो बिल्कुल सूख चुका है। तो बस हमारा ये राधा रानी के लिए भोग बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए राधा रानी के लिए इसको सर्व कर लेते हैं। तो देखिए मैंने सर्व कर लिया है। आप राधा अष्टमी पे इस बार ये जरूर से बनाइए भोग, और राधा रानी को भोग लगाइए, साथ में आप उनके पसंद की और मिठाई बनाइए, खीर बनाइए, पूड़ी बनाइए और राधा रानी को भोग लगाइए। जय श्री श्याम, राधे राधे। राधा अष्टमी के आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।